नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। उत्तराखंड के बुलेटिन का शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ, जहां पर सबसे पहले खबर चमोली से। तपोवन टनल से शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। आज टनल से कुल 5 शव बरामद किए गए हैं। एक शव की शिनाख्त इलेक्ट्रीशियन आलम के रूप में की जा चुकी है। टनल से बाहर हुए बाकी शवों की पहचान अभी भी बाकी है। अभी भी एनडीआरएफ बेस टनल में नहीं दाखिला कर पा रहा है और ड्रिल के दौरान भारी मात्रा में नीचे कीचड़ होने से ड्रिलिंग का काम रुका हुआ है। अब क्लीनिंग प्रोसेस के जरिए कीचड़ साफ करने की कोशिश की जा रही है और क्लीनिंग प्रोसेस के दौरान ही बरामद किए गए हैं 2 शव। तो बेस टनल में अब किसी के जीवित होने की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर है और ड्रिल के दौरान मिल रहे कीचड़ से साफ हो गया है कि बेस टनल में भी भर चुका है मलबा। तो ड्रिलिंग का काम रोका गया था, जहां पर ड्रिलिंग के दौरान मिले कीचड़ से ये साफ हो गया है कि अब टनल में भी पूरा मलबा भरा हुआ है और तपोवन टनल से शवों के मिलने का जो सिलसिला है वो जारी है। आज टनल से कुल 5 शव बरामद किए गए हैं, जिनमें से एक शव की शिनाख्त इलेक्ट्रीशियन आलम के रूप में की जा चुकी है, बल्कि बाकी जो शव है उनकी शिनाख्त होनी अभी बाकी है और अभी भी एनडीआरएफ बेस टनल में नहीं हो पा रहा है दाखिल। और ड्रिल के दौरान भारी मात्रा में नीचे कीचड़ होने से ड्रिलिंग का काम रुका और अब क्लीनिंग प्रोसेस के जरिए कीचड़ साफ करने की कोशिश की जा रही है। क्लीनिंग प्रोसेस के दौरान बरामद किए गए हैं 2 शव। बेस टनल में अब किसी के जीवित होने की संभावनाएं ना के बराबर हैं। ड्रिल के दौरान मिल रहे कीचड़ से साफ हो गया है कि बेस टनल में भी मलबा भर चुका है। तो चमोली में तपोवन टनल से शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। तो 7 फरवरी को आई चमोली त्रासदी के बाद से शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। वहीं चमोली के रैणी गांव में ऋषि गंगा नदी से निकली झील फिर से आपदा की आशंका खड़ी कर रही है। 14,000 फीट पर ये झील 400 मीटर लंबी है, जिसका जायजा लेने के लिए एसडीआरएफ के कमांडेंट नवनीत भुल्लर नई झील के पास पहुंचे। सुनिए उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा। ठीक है, जो लेक फॉर्मेशन हुआ है, ये सामने ये लेक दिख रही है, दिखा दो तो। जो सामने की विड्थ है लगभग 50 मीटर नजर आ रही है, सामने की विड्थ, ये वाली विड्थ 50 मीटर, और अभी हमें करीब 200 मीटर तक दिख रहा है, लेकिन उसके आगे टर्न है, राइट को टर्न है, तो वो चीज यहाँ से नहीं दिख पा रही लोकेशन से। और ये देखिए, उस किनारे से डिस्चार्ज हो रहा है, ये बीच में से ये डिस्चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज ठीक ठाक डिस्चार्ज हो रहा है। पानी मड़ी नहीं है, पानी बिल्कुल साफ है, ब्लू है लेक और पानी बिल्कुल व्हाइट आ रहा है। ये जो डिब्रीज लेक के सामने है, ये जो डिब्रीज है, ये कम से कम 500-700 मीटर तक डिब्रीज है और इसमें आइस का पार्ट, आइस के पार्ट्स भी हैं और ये जैसे पानी जमा हुआ है, देखिए पानी। तो ये लेक है, जो लेक फॉर्मेशन हुआ है, ये सामने ये लेक दिख रही है, दिखा दो तो। जो सामने की विड्थ है लगभग 50 मीटर नजर आ रही है, सामने की विड्थ, ये वाली विड्थ 50 मीटर, और अभी हमें करीब 200 मीटर तक दिख रहा है, लेकिन उसके आगे टर्न है, राइट को टर्न है, तो वो चीज यहाँ से नहीं दिख पा रही लोकेशन से। और ये देखिए, उस किनारे से डिस्चार्ज हो रहा है, ये बीच में से ये डिस्चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज ठीक ठाक डिस्चार्ज हो रहा है। पानी मड़ी नहीं है, पानी बिल्कुल साफ है, ब्लू है लेक और पानी बिल्कुल व्हाइट आ रहा है। ये जो डिब्रीज लेक के सामने है, ये जो डिब्रीज है, ये कम से कम 500-700 मीटर तक डिब्रीज है और इसमें आइस का पार्ट, आइस के पार्ट्स भी हैं और ये जैसे पानी जमा हुआ है, देखिए पानी। तो ये लेक है, जो लेक फॉर्मेशन हुआ है, ये सामने ये लेक दिख रही है, दिखा दो तो। जो सामने की विड्थ है लगभग 50 मीटर नजर आ रही है, सामने की विड्थ, ये वाली विड्थ 50 मीटर, और अभी हमें करीब 200 मीटर तक दिख। तो ऋषि गंगा में आई यहाँ पर ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है और एसडीआरएफ कमांडेंट नवनीत भुल्ला ने यहाँ पर बताया कि ऋषि गंगा में बनी नई झील के पास भी नई घटना होने की आशंका है और इसी को लेकर जो ड्रिलिंग का काम है वो रोका गया था। यहाँ पर मलबा भरे होने की भी आशंका है और इसी दौरान और अब हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजेश जी, क्या कुछ अपडेट है, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है?
देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो इस वक्त जो तपोवन टनल में वो लगातार जो मलबे को साफ करने की कोशिश की जा रही है, उसके साथ चूंकि जो दो दिनों से लगातार ड्रिल करने का काम किया जा रहा था बेस टनल में जाने के लिए, तो ड्रिल का काम पूरी तरीके से रुक गया है। दरअसल ड्रिल का काम रुकने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि नीचे भी बड़ी तादाद में मलबा जमा है और इसी वजह से अब ड्रिल नहीं हो पा रही है। सबसे पहले ऊपर की टनल में जो 180 मीटर की टनल थी उसमें से 130 मीटर मलबा निकालने का काम हो गया है, लगभग 50 मीटर के आसपास अब क्लीन किया जा रहा है, मलबा निकाला जा रहा है। और उसी में सुबह से चार लाशें अभी तक वहां से 400 बरामद हो चुके हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो 50 मीटर जो आखिरी का जो टनल का छोर है, इस छोर में कई सौ बरामद होने की आशंका है, क्योंकि जब पूरा बहाव आया उस वक्त बहुत तेजी के साथ जो है जो लोग जाकर के टनल के किनारे आकर के रुक गए और यही वजह है कि माना जा रहा है कि इसमें बहुत सारे शव हो सकते हैं। अभी तक सुबह से चार शवों को निकाला जा चुका है, इसके साथ ही दो शव रड़ी गांव से निकाले गए हैं, छह शव तक निकाले जा चुके हैं। केवल टनल में ही नहीं ऑपरेशन चल रहा बल्कि इसके साथ ही रड़ी गांव से लेकर कर्ण प्रयाग तक जगह जगह पर आपको नदियों के किनारे जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, इसके साथ तमाम दूसरी एजेंसियां हैं जो इस वक्त सर्च ऑपरेशन चला रही हैं और लगातार ये खोजने की कोशिश कर रही हैं कि क्यों ये जो है इस बहाव में कहां कहां पर आकर के शव लग सकते हैं। तो ये पूरी कोशिश हो रही है और उसी के तहत यहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आज सुबह से अभी तक 600 इसमें बरामद हो चुके हैं और अभी पूरे दिन ऑपरेशन चलेगा, ऐसे में अभी आगे और भी शव बरामद होने की पूरी संभावना है। जी ब्रजेश, आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप जानकारियां ये भी मिल रही है कि एक बार फिर से ऐसी घटनाक्रम होने के पूरे आसार हैं, तो इसको लेकर प्रशासन और सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं, इस बारे में भी जरा बताइए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको थोड़ा सा ये तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए ये धौल गंगा की तस्वीर है और किस तरीके से जो धौल गंगा में जल स्तर जो है जिस तरीके से लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, धौल गंगा तेजी के साथ अपने जल स्तर विस्तार कर रही है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह कहीं ना कहीं यही है कि जिस तरह से गंगा के मुहाने पर जो एक झील बन रही है और वो झील से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है और यही वजह है कि उस रिसाव की वजह से ऋषिगंगा की जलधारा में इजाफा हो रहा है और ऋषिगंगा जिस तरीके से अपनी जलधारा में इजाफा कर रही है उसकी वजह से एक बार फिर से एक सैलाब आने का खतरा बना हुआ है। अगर वो झील टूटती है तो एक बड़ा हादसा हो सकता है, एक बड़ा सैलाब एक बार फिर आ सकता है। जी ब्रजेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पीड़ित जो परिवार है जिन्होंने अपनों को खो दिया इस त्रासदी के दौरान, तो जो सरकार है, प्रदेश की जो सरकार है, वो किस तरीके से मदद मुहैया करा रही है पीड़ित परिवारों को? देखिए पीड़ित परिवारों को मुआवजे का ऐलान केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की तरफ से किया है, लेकिन मुआवजे के साथ साथ अभी सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग लापता हैं उनके को या तो भी शव अभी जरूरत है कि 160 से ज्यादा लोग अभी भी कागजों में मिसिंग है जिनको तलाशने का काम चल रहा है। अब उनके जीवित होने की संभावना तो लगभग ना की पद पर है, लेकिन परिजन कह रहे हैं कि अगर जीवित ना सही तो कम से कम आखिरी समय में हमें उनके शव तो मिल जाए ताकि हम उनका अंतिम संस्कार कर सके। ये भी बड़ी समस्या है और इसको लेकर के भी जो है फिलहाल सर्च ऑपरेशन जो युद्ध स्तर पर चल रहा है, प्रशासन लगातार उन तमाम इलाकों में जो 13 गांव जिनके संपर्क टूटे हुए हैं अब उनसे न सिर्फ बीआरओ लगातार पुलों के जरिए संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा है बल्कि इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो राहत और बचाव कार्य भी जारी है और सबसे बड़ी बात है उन तमाम इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। प्रशासन ने कोशिश कर रहा है कि जो गुमशुदा जो लापता है उनके परिजनों को वहां पर रहने खाने की व्यवस्था की जाए। दूर दूर से वो लोग आए हैं अपने परिजनों के शव लेने के लिए, अपने परिजनों को एक झलक देखने के लिए, तो वो भी कोशिशें हो रही हैं। तो एक तरफ जहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है वहीं दूसरी तरफ प्रशासन राहत सामग्री पहुंचाने की भी कोशिश में जुटा है। जी ब्रजेश, जिस तरीके से हम तस्वीरें भी यहाँ पर दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे कि क्या टनल में अभी तक जैसे कि ड्रिलिंग का काम रोका गया था उसको शुरू कर दिया गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि क्या अब एनडीआरएफ बेस में जो टनल में जो बेस है उसमें दाखिल हो पा रहा है, और अगर हो पा रहा है तो फिर उसमें और भी शवों के मिलने की आशंका है, क्योंकि आपने बताया कि जीवन लोगों के बचने की बिल्कुल ना के बराबर ही संभावना बताई जा रही है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो बेस टनल में अभी तक कोई भी रेस्क्यू टीम जा पाई है और ना अभी कुछ दिनों तक पहुंच पाने की संभावना है।
क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि 2.5 किलोमीटर लंबी टनल और टनल के अंदर पूरी तरीके से मलबा भरा हुआ है। जब तक मलबा साफ नहीं होता, एक एक मलबा जो है साफ किया जाएगा और उसी के बाद वहां पर अंदर जाया जा सकता है, जो बेहद ही मुश्किल कार्य है। सबसे बड़ी बात यह, अगर 180 मीटर लंबी टनल को साफ करने से ज्यादा का वक्त लग रहा है तो आप उम्मीद कीजिए कि 2.5 किलोमीटर लंबी टनल से मलबा साफ करने में कितना वक्त लगेगा। मुझे लगता है ये हफ्तों और महीनों का काम है और तब जा करके उन शहरों तक पहुंचा जा सकेगा जो टनल में लोग फंसे हुए थे। जी ब्रजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो तपोवन टनल से शवों को मिलने का सिलसिला अभी जारी ही है और यहां पर आज टनल से कुल 5 शव बरामद किए गए हैं और एक शव की शिनाख्त इलेक्ट्रीशियन आलम के रूप में भी की गई है, जबकि बाकी शवों की शिनाख्त अभी बाकी है और टनल से बरामद हुए बाकी शव अभी पहचानने बाकी हैं, उनकी शिनाख्त करनी अभी बाकी है। अभी भी एनडीआरएफ बेस टनल में दाखिल नहीं हो पा रहा है और ड्रिल के दौरान भारी मात्रा में नीचे कीचड़ होने के कारण ड्रिलिंग का काम रुका हुआ था। तो क्लीनिंग प्रोसेस के दौरान बरामद किए गए हैं 2 शव। तो बेस टनल में अब किसी के जीवित होने की कोई भी संभावना ना के बराबर ही है। तो तपोवन टनल से शवों के मिलने का सिलसिला जो है वो जारी है। आज टनल से कुल 5 शव बरामद किए गए हैं, जिनमें से एक शव की शिनाख्त इलेक्ट्रीशियन आलम के रूप में की जा चुकी है, बल्कि बाकी जो शव बरामद किए गए हैं उनकी पहचान करनी अभी बाकी है और अभी भी एनडीआरएफ बेस टनल में दाखिल नहीं हो पा रहा है और ड्रिल के दौरान भारी मात्रा में नीचे कीचड़ होने से ड्रिलिंग का काम भी रुका हुआ है और अब क्लीनिंग प्रोसेस के जरिए कीचड़ साफ करने की कोशिश की जा रही है। क्लीनिंग प्रोसेस के दौरान बरामद किए गए हैं 2 शव। तो बेस टनल में अब किसी के जीवित होने की कोई संभावना ना के बराबर ही बताई जा रही है और ड्रिलिंग के दौरान मिल रहे कीचड़ से साफ हो गया है कि अभी तक काफी ज्यादा मलबा जो है वो टनल में भरा हुआ है। और अब उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आज टनल से कुल 4 शव बरामद किए गए हैं रैनी गांव से 2 शव बरामद किए गए हैं। तो 402 लापता लोगों में से 44 मिल चुके हैं, 160 लोग अभी भी लापता हैं। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का बयान कि आज टनल से कुल 4 शव बरामद किए गए हैं, रैनी गांव से 2 शव बरामद किए जा चुके हैं डीजीपी ने कहा है और 402 लापता लोगों में से 44 मिल चुके हैं। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का यह बयान है। तो आज टनल से कुल 4 शव बरामद किए जा चुके हैं, रैनी गांव से 2 शव बरामद किए गए हैं। बढ़ते खबरों में आगे अब बात करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार पहुंचकर 2 महीने पहले रेप की हत्या तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार पहुंचकर 2 महीने पहले रेप कर हत्या की गई मृतका किशोरी के परिजनों से मुलाकात की और पीड़ित परिवार को हरीश रावत ने आश्वासन दिया। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि परिजन पुलिस की जांच और कार्रवाई पर संतोष व्यक्त कर रहे हैं। ऐसी भी जानकारियां मिल रही हैं कि जेल में बंद आरोपी अपने रसूखों का इस्तेमाल कर खास सुविधाएं पा रहे हैं, जिससे कि पीड़ित परिवार को निराशा हो रही है और इंसाफ मिलने में देरी की जा रही है। उन्होंने इस मामले में तो हरीश रावत ने कहा कि पीड़ित परिवार को निराशा हो रही है और इंसाफ मिलने में देरी हो रही है। उन्होंने इस मामले में आला पुलिस अधिकारियों से भी बात की है और जल्द से जल्द सही जांच के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाकर आरोपियों को सजा दिलाने की मांग की है।
कुछ डर हैं, कुछ बातें हैं, वो मेरे संज्ञान में कुछ लोग लाए। उस संदर्भ में मैंने उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों से बातचीत भी की। वैसे मेरा मानना है कि पुलिस पूरी गंभीरता से इस मामले की के तथ्य जुटा करके कोर्ट में जाएगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगी। लेकिन जब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चला नहीं जाता है, वो स्टार्ट और उसको सजा मिलने की प्रोसीजिंग स्टार्ट नहीं होती है, तो लोगों को एक आशंका बनी हुई है। इससे जुड़ा हुआ एक प्रभावी व्यक्ति है जिसका संबंध बहुत असरदार लोगों तक बताया जा रहा है, तो इसलिए शंकाएँ स्वाभाविक हैं। और जिस परिवार ने इतना बड़ा, जिसको तकलीफ मिली है, जिसको इतनी बड़ी वेदना मिली है, तो उस परिवार के मन में शंकाएँ, कुशंकाएँ भी हो सकती हैं, वो स्वाभाविक हैं। तो हम मैं उनके पास आ करके उनसे कहने के लिए आया हूँ कि हम हर पल हर क्षण जब तक उन राक्षसों को सजा नहीं मिल जाती है, और तब तक आपके साथ पूरी तरीके से खड़े। और फिल्म कलाकारों और निर्देशकों को उत्तराखंड की खूबसूरती भा रही है, जिसके लिए फिल्मी कलाकार और निर्देशक उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। और इसी के तहत नेपाल के पूर्व मुख्यमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की पोत्री स्मिता दहल उत्तराखंड की वादियों में हिंदी गीतों की शूटिंग के लिए उत्तराखंड पहुंच गई हैं। वो ऋषिकेश धनौल्टी टहरी में हिंदी फिल्म एल्बम इबादत बन गए हो दीवाने तेरे नैना के गीतों के लिए शूटिंग करेंगी। और स्मिता ने बताया कि उत्तराखंड की खूबसूरती से वो प्रभावित हैं और यहाँ पर फिल्म के शूटिंग के लिए सभी कुछ चीज़ें मौजूद हैं, सारी सुविधाएँ मौजूद हैं। पहाड़ी झरने बेहद ज़्यादा खूबसूरत हैं। स्मिता दहल ने बताया कि एक रोमांटिक लव सॉन्ग है ये, और इस गाने में उनके साथ छोटे पर्दे के कलाकार अर्जुन बिजलानी भी दिखाई देंगे। तो फिल्म कलाकारों और निर्देशकों को उत्तराखंड की खूबसूरती भा रही है, जिसके लिए फिल्मी कलाकार और निर्देशक उत्तराखंड का रुख अपना रहे हैं। और इसी के तहत नेपाल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की पोत्री स्मिता दहल उत्तराखंड की वादियों में हिंदी गीत फिल्माने के लिए पहुंची हैं। An express in words. Yeah, I feel very grateful to be a part of this wonderful song, and I'm really looking forward to it. And I really hope that the result will pay off. I mean, it will be worth of our hard work. Sure. Yeah. An express. और वहीं चमोली में गढ़वाल मंडल आयुक्त रविनाथ रमन ने ली बैठक, तपोवन आपदा के राहत बचाव कार्य संबंध में ली बैठक। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से किया जा रहा है, इसको लेकर इन्होंने बैठक की है। तो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए निर्देश भी दिए हैं और रेस्क्यू कार्य में आ रही समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली है। तो संवेदनशील स्थल पर रेस्क्यू दल को जोखिम नहीं लेने के निर्देश दिए गए हैं। तो गढ़वाल मंडल आयुक्त रविनाथ रमन ने बैठक ली, जहां पर तपोवन आपदा से राहत और बचाव कार्य के संबंध में ये बैठक ली गई है और सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। रेस्क्यू कार्य में आ रही समस्या के बारे में जानकारी भी ली है। में तेजी लाने के दिशा निर्देश दे दिए हैं। गढ़वाल मंडल आयुक्त रविनाथ रमन ने बैठक ली, जिस दौरान यहां पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेजी लाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। ऋषिगंगा में जवानों की तैनाती को लेकर भी बैठक की गई। गढ़वाल मंडल आयुक्त रविनाथ रमन ने बैठक ली है।
सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए हैं। रेस्क्यू कार्य में आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी भी ली है। संवेदनशील स्थल पर रेस्क्यू दल को जोखिम नहीं लेने के निर्देश दिए हैं। और वही डोईवाला में उत्तरांचल क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव चंद्रकांत आर्या और कोषाध्यक्ष विजय बहुगुणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड पर एक बार फिर से कई आरोप लगाए गए हैं और कहा है कि उत्तराखंड क्रिकेट के कोच वसीम जाफर को हटाने के लिए कौन से हथकंडे अपनाए गए हैं और जिन लोगों के हाथों में उत्तराखंड क्रिकेट की भागदौड़ है वो लोग अपने निजी हितों के लिए क्रिकेट को बर्बाद कर रहे हैं, जबकि उत्तराखंड से प्रतिभावान क्रिकेटर आज भी उत्तराखंड क्रिकेट से दूर हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तराखंड क्रिकेट की बेहतर के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और बहुत ही जल्द अच्छे परिणाम भी आने वाले हैं। राजनीति हुआ है, क्रिकेट माफिया भी हो गया। आपने सुना होगा कितनी बड़ी फिक्सिंग के इतने वो आरोप लगे थे बीसीसीआई की, क्रिकेट बड़ी मुश्किल से धर्रे पे आई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी करनी पड़ी थी। वसीम जाफर ने एंट्री इसलिए वहाँ से वापस गए वो, क्योंकि वसीम जाफर को इनका प्रेशर था, कई लोगों का प्रेशर था। जो उत्तर प्रदेश के आका है, उनके जो एक खास आदमी है जिनका नाम मैंने अभी खुलासे में लिया, उनका प्रेशर आता था कि ये चार पाँच प्लेयर टीम में आएंगे। बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो मैंने आपको पहले ही जब शुरू की थी पीसी, उसमें यही बोला था कि ये जो मान्यता दी गई है नियमों के विरुद्ध और गलत और राजनीतिक प्रेशर की वजह से दी गई है। राजनीति हुआ है, क्रिकेट माफिया भी हो गया। आपने सुना होगा कितनी बड़ी फिक्सिंग के इतने वो आरोप लगे थे बीसीसीआई की क्रिकेट। और वहीं डोईवाला में होली के त्योहार के लिए इस बार समूह की महिलाएं ऑर्गेनिक रंग बनाने का काम करने जा रही हैं। ये रंग सूखे और गीले दोनों प्रकार के होंगे। इसके लिए आज मास्टर ट्रेनर श्यामा चौहान और सीता भट्ट ने समूह की महिलाओं को ऑर्गेनिक रंग बनाने की ट्रेनिंग भी दी है। नई आशा स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष आशा सोमवाल ने बताया कि हर्बल रंगों से स्किन पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है और साथ ही ये रंग बाजार में मिलने वाले मिलावटी रंगों से काफी ज्यादा सस्ते और अच्छे भी होते हैं। अगर समूह की महिलाएं इन रंगों का निर्माण करती हैं तो जहां महिलाओं को एक तरफ रोजगार भी उत्पन्न होगा और साथ ही दूसरी तरफ इन रंगों का इस्तेमाल करने वाले लोगों को भी किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये रंग बनाने का प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र ठकरानी से लिया है और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। सबसे पहली बात तो है कि इसमें ये महिलाएं इसको घर में बैठकर बना सकती हैं आसानी से, और बहुत ज़्यादा ये जो हम लोग सामान लेते हैं इसका बहुत ज़्यादा कीमती भी नहीं आता और बहुत ही कम लागत में इसको अच्छे रेट में हम। नमस्कार, मेरा नाम आशा सेमवाल है। मेरे समूह का नाम नहीं आशा स्वयं सहायता समूह है। मेरे समूह में खुद की 15 महिलाएं हैं और आज हमारे यहाँ 3 महिला स्वयं सहायता समूह और आ रखे हैं, 30-40 महिलाएं हो रही हैं। इसके लिए हम ऑर्गेनिक होली के रंग बना रहे हैं जो बिल्कुल भी स्किन के लिए भी हानिकारक नहीं है और बहुत सस्ते हैं। बाज़ार में हम इसके 10 और 20 रुपये के पैकेट निकालेंगे और हम हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ इस बार होली में गुजिया, पापड़ और चिप्स वगैरह भी बना रही हैं।